हेलो फ्रेंड्स, इंडियन करी किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है आम पापड़। आम पापड़ सभी को बहुत पसंद होते हैं और बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये आम लिए हैं, जिन्हें हमने धोकर छिलका हटा दिया और इसका पल्प निकाल लिया है। शक्कर लिए और आधा चम्मच नींबू का रस। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आम के पल्प को मिक्सी में पीस लेंगे। हमने आम को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने गैस ऑन करके इसे पकाने के लिए रख दिया है। हमारा आम का पल्प गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। हमारा रस पक रहा है, तब तक हम इसके लिए थाली तैयार कर लेते हैं। हमने थाली में घी लगाकर तैयार कर लिया है। हमारा पल्प गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे थाली में डाल देंगे। और इस तरह से पूरी थाली में फैला लेंगे। हमने इस तरह से पूरी थाली पे फैला लिया है। अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप में सूखने देंगे। आप चाहे तो इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। 2 दिन बाद हमारा आम पापड़ सूखकर तैयार है। अब हम इसे थाली से हटाएंगे। हमें इसे बिल्कुल धीरे धीरे हटाना है। देखिए कितना बढ़िया आम पापड़ सूखकर तैयार हुआ है। अब हम इसे काटेंगे। हमने आम पापड़ को काट लिया है। आप इसे चाहे तो 1 महीने तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमने आम पापड़ को चौकोर और गोल दो तरह से काट लिया है। हमने आम पापड़ को काट कर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसे 1 महीने तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।